अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरोग्य मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के साथ योग किया, जिसके संबंध में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि आज नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए सभी के स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ, क्योंकि योग 5000 वर्ष पुराना है, जो कि हमारे ऋषि मुनि स्वस्थ रहने के लिए करते थे। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था कि योग सभी देश स्वीकार करें। उस समय 95 देशों ने स्वीकार किया था, जो कि 21 जून 2015 से शुरू हुआ। तब से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया जाने लगा। वहीं इस संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना दी और कहा कि योग करें, निरोग रहें। दाहिने हाथ को चारों तरफ दूसरे हाथ से करेंगे, अब दाहिने पैर को आगे करें। प्रिय मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में, उनका भी है कि आप लोग योग करें। देखिए, एक तो होता है कि हम लोग जिम की बॉडी बनाते हैं, वो एक बॉडी अलग होती है, एक ये बॉडी है आपके अंदरूनी मसल्स की, आपके इंद्रियों की, आपके नाभि की, आपके सारे बैक की प्रॉब्लम की, घुटनों की, ब्रेन की, स्ट्रेस रिलीज की, और उसके लिए वो एक ही दवा है योग। मतलब आप डॉक्टर्स के पास जाने से बचेंगे, आप अपने शरीर को, अगर आप लोगों की आयु आप लोग चाहते हैं ज्यादा रहे, लंबी रहे, निरोगी रहे, कृपया योग करें। मैं रोज 1.5 घंटा 1 घंटा अपने शरीर को आप लोग सुंदर बनाएं, आप लोग निरोगी। भारत माता की वंदे महादेव। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आज नवम अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, योग दिवस है। मैं आज के दिन सभी को स्वस्थ रखने की कामना करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि ये हमारा भारतवर्ष जो है 5000 वर्ष पुराना है, ये योग जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही इसे स्वस्थ रखने के लिए वो लोग करते थे, धीरे धीरे ये लुप्त प्राय एक तरह से कहते हैं कि होता चला गया। और 27 सितंबर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय में लोग सभी राष्ट्र इसको स्वीकार करें, और 195 देशों ने इसे स्वीकार किया, और आज के दिन ही 21 जून को 2015 से ये शुभारंभ है। आज नवम अंतर्राष्ट्रीय दिवस में आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से भी मैं आग्रह करती हूँ, योग अपनाएं, करें योग, रहें निरोग, योग को धारण करें, योग सभी को स्वस्थ रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, योग करें, निरोग रहें।